नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तो ऐसे में तमाम सियासी दल जो है वो सियासी दाव पेच करने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम इस खास कार्यक्रम के जरिए अपने रिपोर्टर्स से जुड़ते हैं और रिपोर्टर्स से जानते हैं कि उनकी विधानसभाओं में किस तरह का हाल है, आम जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या चाह रही है, आम जनता के मन में क्या है आने वाले चुनावों को लेकर। आज हम दो जगह से जुड़ेंगे, महोबा और बांदा से। मेरे सहयोगी महोबा से राहुल कश्यप हैं और बांदा से पंकज त्रिपाठी। इनसे हम जानेंगे कि उनकी विधानसभाओं में आखिर क्या चल रहा है, उनके विधानसभा में कितना विकास इन 5 साल में हुआ है और आने वाले समय में कौन प्रत्याशी किस तरह से चुनावी दावे करता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। तो रिपोर्टर से सीधा सच जानने की कोशिश हम करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से यहां पर खराब नजर आती हैं, सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं। इसके अलावा जो यहां पर नालियां हैं वो भी पूरी तरह से गंदी है, जिनकी सफाई रोजाना नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहद परेशान हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो चुनावी माहौल कुछ इस तरह का है कि कुछ लोग तो खुश हैं इन 5 सालों में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नाखुश नजर आते हैं। तो महोबा से राहुल कश्यप और बांदा से पंकज त्रिपाठी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले महोबा से राहुल का मैं रुख करूंगी। राहुल, महोबा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है, सबसे पहले ये बताइए। राहुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, राहुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बांदा से पंकज त्रिपाठी लगातार मेरे साथ बने हुए, पंकज का रुख करेंगे। पंकज, अगर बांदा की हम बात करें तो बांदा में सियासी माहौल कैसा है, क्या इन 5 सालों से आम जनता खुश है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से चुनाव ऐलान हुआ तो यहाँ की कुछ जनता खुश भी है और कुछ जनता ना खुश भी, क्योंकि योगी सरकार का फरमान था उन गड्ढा मुक्त प्रदेशों को आप बांदा सड़कों पर देख लीजिए, क्योंकि जो आपके पास चल रहा है किस तरह से गड्ढे सड़कों में है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी लोग नाखुश भी हैं। आप बांदा सदर से लेकिन कहीं भी बाईपास तक की रोडें देख लें जो गड्ढों से भरी पड़ी है, आपको गूगल में साफ दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल पंकज, अगर अब हम देखें तो अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम जो दावेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आगे बहुत कुछ करेंगे अपनी जनता के लिए, ऐसे में किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है? अभी देखिए, मैं बांदा विधानसभा की बात बता दूंगा। बांदा विधानसभा में अभी बीएसपी की ठीक है पंकज, जब आप पहुंचते हैं आम जनता के बीच तो आम जनता की राय क्या होती है, क्या आपसे वो तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं, कैमरे के सामने आने से डरते तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं डरते, वो खुलकर राय रखते हैं, खुलकर बोलते हैं और कहते हैं कि अगर इस बार सरकार मोदी चुनी जाएगी, जो सड़क बिजली पानी महंगाई, सबसे बड़ा तो महंगाई मुद्दा हो चुका है कि महंगाई के चक्कर में पब्लिक थोड़ा सा आक्रोश बात से होंगे, बार बार वो यही कह रहे हैं। तो पंकज, बांदा में सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल महंगाई बना हुआ है, तो इसे हम चुनावी मुद्दा बांदा में मान सकते हैं महंगाई को? महंगाई को जैसे आप डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, इन सब मुद्दों को लेकर आम जनता जो है आपका चुनावी मैदान में इसी को लेकर वोट करेगी। योजनाओं का लाभ क्या लोगों तक पहुंचा है इन 5 सालों में? अगर हम गांव की तरफ जाएं, गांव का विकास देखें, तो ये योजनाओं का लाभ अभी तक गांव की ओर नहीं पहुंचा,
ये सरकार दावे तो करती रही और कुछ करती रही, लेकिन अभी तक आप आवास ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, आप चाहे ये राशन का ले लीजिए, तो बहुत ऐसे मामले हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। तो लोग इस बार लगता है कि सपा सरकार भाजपा सरकार को पटकनी देने का काम करेगी। बिल्कुल, अगर पंकज बांदा की हम बात करें तो बांदा में जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात करें कि वहां पर योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, क्या शहरी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है? इसके अलावा वहां पर किस तरह का विकास हुआ है, क्या विधानसभा में मेडिकल कॉलेजेस अस्पतालों की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि सड़कें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी मैं आपको बता दूं, अगर आप बांदा विधानसभा को लेने बांदा मुख्यालय में ले लें तो बांदा मुख्यालय में अभी भी एक 100 बेड का अस्पताल बसपा सरकार ने बना, जबकि वो अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। एक मेडिकल कॉलेज बांदा में बना था जो कि मेडिकल कॉलेज तो बन के तैयार हो गया पर वहाँ मशीनरी आज तक नहीं हो। तो आप ये सोच लें कि 10 सालों में पूरा 5 साल भाजपा सरकार का निकल गया, इससे पहले पूरा सपा सरकार का निकल गया, वहाँ पर मशीनरी नहीं पहुंच पाई। तो आप कहीं ना कहीं मानिए कि लोगों के अंदर रोष व्याप्त है कि अगर बसपा सरकार में काम हुआ है और भाजपा सरकार में अभी तक कुछ नहीं हो पाया तो रोष व्याप्त। पंकज, आपने अभी कहा कि बसपा सरकार में काम हुआ लेकिन भाजपा सरकार में काम नहीं हो पाया है, यानी इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो विकास किया है वो बसपा ने ही किया है अपने कार्यकाल में, और इसके अलावा यहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं बसपा को काफी हद तक सही मान रही है। जी, आप ये जो मैंने अभी रोड का बाईपास रोड का आपको विजुअल विजुअल चल रहा था आपका, तो ये बसपा सरकार के कार्यकाल में बना था, इसकी पैचिंग मरम्मत तक नहीं हुई। अब ये समझ लीजिए कि जो बसपा सरकार के कार्यकाल के काम थे अभी तक भाजपा सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई, चलिए ठीक है पंकज, मैं आपका रुख करूंगी। राहुल भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं महोबा से। राहुल, महोबा का सियासी माहौल कैसा है? राहुल, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? तो राहुल तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधेंगे। पंकज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पंकज, बांदा से लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि जो विकास हुआ था वो बसपा सरकार में ही हुआ था, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, हर बार कहा है, हर चुनावी रैली में कहा है कि बीजेपी का जो मतलब है वो विकास ही है। जी, बीजेपी दावे तो बहुत करती रही लेकिन मंच पर खड़े होकर दावे करती रही, वादे करते रही, पर आज तक जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही भाजपा की। आप चाहे शहर की सही उठा दे या गांव पे उठा दे तो आपको विकास बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, केवल कागजों पर ही इनकी विकास चलती है और धरातल पर इनका कोई विकास नहीं। चलिए पंकज, आप इस समय ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लगातार लोगों के बीच जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, क्या कहना है लोगों का, क्या कहते हैं, उनकी क्या सुनवाई होती है, उनके जो विधायक हैं वो उनकी सुनवाई करते हैं, क्या विधायक उन तक पहुंच पाते हैं? ना, विधायक अभी तक नहीं पहुंचते। आप ये समझ लीजिए कि जब हम पब्लिक से जाएंगे उनको पब्लिक से बात करते हैं तो पब्लिक का कहना यही होता है 100 रुपए का काम, भाजपा सरकार में 5 रुपए, अगर कोई चावल होता है तो पहले 100 रुपए रखते थे, 5 रुपए रखते, पहले सिलेंडर की कीमत 750 थी, आज सिलेंडर की कीमत 950 रुपए, पहले पेट्रोल की कीमत 70 रुपए थी, आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है। हर बार ये देखिए कि महंगाई कम होता है जनता का और महंगाई के साथ साथ विकास का भी प्रसंग होगा। आप गाँव में जाइए, गाँव में जाकर देखते हैं तो पानी ऐसे पड़ी है, किसी को आवास नहीं मिल रहा, किसी को राशन नहीं मिल रहा, बहुत सी समस्या है जो भाजपा को लेकर लोगों में आज भी व्याप्त है। बिल्कुल पंकज, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी आपसे कि बांदा में जो कोर वोटर है वो कौन है,
क्या ब्राह्मण वर्ग यहाँ ज्यादा कोर वोट बैंक की यहाँ पर दिखाते हैं, उसकी राजनीति यहाँ होती है, या दलित ज्यादा है या ओबीसी ज्यादा है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि बांदे पता विधानसभा में ब्राह्मण वोट ज्यादा है, इसके बाद आपका एससी वोट ज्यादा है। तो आप ये मानिए कि अगर भाजपा से बांदा विधानसभा में तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी भाजपा का एक फितूर का बता हुआ है और बहुत से लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वोट बांदा विधानसभा में ज्यादा है, इसके बाद एससी वोट ज्यादा है। बिल्कुल पंकज, इसके अलावा ये भी जानने की मैं कोशिश करूंगी, कुछ तस्वीरें आपने हमें भेजी है प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको घर मिले हैं, लेकिन तस्वीरों में अभी भी झोपड़ियां नजर आ रही हैं, झुग्गियां नजर आ रही हैं। क्या इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये लाभ इन तक नहीं पहुँच पा रहा है, या विधायक या प्रधान जो है वो बीच में ही इन कार्यों को रोक देते हैं या आगे बढ़ने नहीं देते? जी एक आप जिसे ग्रामीण रिपोर्ट पे हम लोग जाते हैं गांव और देहातों में, तो वहां पर सबसे बड़ी एक कमी ये होती है कि प्रधान और सचिव मिलकर पैसा देते तो है पर उसका आधा से ज्यादा कमीशन आम जनता से ले लिया जाता है। तो वो वही तो वही शॉपिंग बनी रहेगी, मकान पूरा तैयार नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर पंकज यहाँ पर देखा जाए तो कितने प्रतिशत यहाँ पर मुस्लिम वोट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबकी बात हो रही है लेकिन मुस्लिमों की बात जो है वो कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, भाजपा को झुकना पहले ही रहा है कि मुस्लिम वोटों पर बात नहीं करता। यहाँ अगर मुस्लिम वोटों से बात की जाती है तो वो अपनी सपा ये दिखाता है। कितना प्रतिशत है यहाँ पर मुस्लिम वोट? 11% सदर विधानसभा में, बाना विधानसभा में 11% मुस्लिम वोटर, यानी बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है मुस्लिमों का। अच्छा, जी अच्छा, उनका क्या कहना है? उनकी राय तो यही है कि हमको कोई ना योजनाओं का लाभ मिलता ना कुछ मिलता, तो हम तो सीधे सपा पे वोट करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ से वो खुश नहीं है? खुश नहीं बिल्कुल, नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो काशी हो, गोरखपुर हो, मेरठ हो, तमाम जिलों में आते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से भी वो खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है मैडम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा। खड़े होके तो इस बार बदलाव का विचार बांदा की जनता ने बना लिया है कि इस बार बदलाव करना है। किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? इस बार ये मानिए कि एक एक सीट बांदा विधानसभा की आपकी भाजपा जा सकती है, बाकी तीनों विधानसभाओं में या तो सपा जाएगी या तो बसपा जाएगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है? जी, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस की जो नई नीति है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को 50% जो है वो वोट जो टिकट देना है, उसको लेकर यहाँ की महिलाएं क्या जागरूक हैं? अब ये मान के चलिए कि बुंदेलखंड का एक पिछड़ा इलाका माना जाता है बांदा, बुंदेलखंड के 4-5 जिले आपके पिछड़े इलाके माने जाते हैं, तो वहाँ यहाँ ये जागरूकता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। बाकी अन्य जगह अगर दिखाई दे रही हो तो बात अलग है। हाँ, उन्होंने जरूर कहा कि 40% महिलाओं को आगे किया जाएगा, उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा, पर ये जागरूकता बांदा के अंदर नहीं। चलिए ठीक है, राहुल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं महोबा से। राहुल, महोबा में किस तरह का चुनावी माहौल फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है? राहुल, आवाज आ रही है मेरी? तो राहुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर पंकज का ही रुख करूंगी। पंकज, बांदा पर हमने बहुत बात की है, बांदा की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन बांदा में कुछ भी ठीक नहीं है।
कब ठीक होगा, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जो 5 साल यहाँ पर दावे किए गए थे कि बहुत विकास होगा, वो विकास यहाँ नहीं हुआ है। अब जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैठ गई है मन बनाकर कि इस बार तो बदलाव की जरूरत है। इस बार जनता ने मन बनाया कि बदलाव की जरूरत है, सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। अब देखने की बात तो यही है कि बांदा में चौथे चरण में मतदान है और इस मतदान के बाद क्या नजर आता है खुद पे, वो देखने को आपको मिलेगा। चलिए ठीक है पंकज, एक रिपोर्टर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आम जनता की जो दिक्कतें हैं वो आप उन तक पहुंचे, उनसे जाने और दिखाएं कि उन्हें किस तरह का लाभ मिल रहा है, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या उनके चेहरे खिल जाते हैं कि हाँ हमारी बात सुनने वाला भी कोई है, क्योंकि विधायक जी तो सुनते नहीं है। जी बिल्कुल नहीं सुनते। अगर हम उनसे जाके बात करते हैं, जनता से जाके बात करते हैं, तो सीधे तौर पर यही कहा जाता है कि ना यहाँ जीतने के बाद कोई भी विधायक गांव देखने नहीं आता। तो सिर्फ उनको यही लगता है कि जब ये 5 साल चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद ये दिखाई नहीं देते तो फिर विकास क्या करेंगे। और जनता का यही कहना होता है कि अगर हम जाते हैं तो उनके पास मिलने का टाइम नहीं होता, या तो कहते हो लखनऊ पड़े या तो कहते हो कानपुर पड़े हैं। तो विधायकों का यही रवैया हमेशा से रहा कि अगर एक बार वो सत्ता पे आ गए तो दोबारा वो पब्लिक की तरफ देखते नहीं है और विकास की तो बात ही मत करिए, विकास तो कहीं होता ही नहीं। पंकज बांदा के युवाओं ने क्या मन बनाया है, जो पहली बार वोट डाल रहा है, जो 18 प्लस हुआ है, उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी? जी जी जी, हमने बात की, जब युवाओं से बात की तो युवाओं का यही कहना है कि इस बार अखिलेश भैया को लाएंगे, बाबा जी को हटाएंगे। तो उनका कहना यही है कि ना ये रोजगार मिलता, महंगाई ऊपर से है और महंगाई के बाद आप विकास देख ले तो विकास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और जो खास पहलू है वो है किसान। देखिए किसान को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, बांदा के जो किसान हैं उनके मन में क्या है? जी किसानों के मन में तो यही बात है कि किसानों के लिए तो सबसे बड़ी एक महंगाई से मुद्दा होता है उनका, और उसके अलावा किसानों की कोई बात नहीं, केवल महंगाई। और महंगाई मुद्दे में क्या है, उनका डीजल पेट्रोल। उनका तो यही कहना है कि इस सरकार ने तो हमारी कमर तोड़ दी, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, उत्पाद महंगा हो गया, मतलब हर तरह से उनको महंगे सामान ही मिलते, महंगा तेल हो गया। अगर वो अपने वाणिज्य खेदेंगे 3 एकड़ खेत को जुताई कराते हैं तो उनको पहले 300 रुपए लगता था, आज 750 रुपए लगता है। तो किसानों का यही कहना है कि इस सरकार ने हमारी जो कमर तोड़ दी, तो इस बार वो भी अपना मन बनाने के लिए तैयार है कि यानी पंकज ना आप ना महिलाएं खुश हैं, आम जनता खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, यानी यहाँ के जो विधायक हैं वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं इन 5 सालों में। जी बिल्कुल, 5 सालों में आप ये बांदा विधानसभा की बात कर लीजिए तो ठीक है, बांदा विधानसभा में विधायक जी ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया। आप तिनवाड़ी विधानसभा उठा ले, तिनवाड़ी विधानसभा में 5 साल विधायक जी ब्रजेश प्रजापति जी 5 साल किसी गांव में घूमने नहीं गए, किसी जनता जनार्दन से उनकी राय नहीं ली। अब तो घूम रहे होंगे, क्या दिक्कत है, क्या समस्या? अब तो घूम रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ब्रजेश प्रजापति ने भाजपा छोड़ दी और सपा में शामिल हो गए। तो अभी तक उनका, चूंकि सपा और भाजपा ने दोनों ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए तो इसलिए अभी उनका घूमना नहीं बन रहा। अच्छा, अभी घूमना नहीं बन रहा है। बाकी और विधानसभाओं का हाल कैसा है, और विधायक क्या अपनी विधानसभाओं में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? नहीं, हाँ हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएसपी ने केवल अपने चारों विधानसभाओं में प्रत्याशी घोषित किए हैं, सपा बसपा कांग्रेस ने अभी घोषित नहीं किए। तो बीएसपी के जो भी कैंडिडेट है वही घूम रहे हैं, बाकी अभी चुपचाप बिल्कुल बैठे हुए हैं। बिल्कुल पंकज, एक और चीज आपसे जानने की मैं कोशिश करूंगी, इन 5 सालों में कितने स्कूल यहाँ पर बनवाए गए हैं बांदा के विधानसभाओं में, क्या कोई मेडिकल कॉलेज आया है, और इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी बेहतर हुई है? नहीं, मैंने आपको बताया कि बांदा में मेडिकल कॉलेज आपका बसपा सरकार ने बना, उसके बाद बसपा सरकार में बनने के जी
बसपा सरकार में बनने के बाद वहां अभी तक कोई ऐसा उपकरण नहीं पहुंचा जिससे मरीजों को राहत मिल सके। आज भी अगर कोई ट्रिपल केस होता है तो सीधे कानपुर के लिए उसको रिफर किया जाता है। मतलब बांदा में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है कि अगर कोई सीरियस केस हो तो वहां पर मरीज को भर्ती कराया जा सके, सीधा कानपुर रेफर किया जाता है। तो ऐसे में तो कितने मरीज बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बीच रास्ते में। और आप ये देख लीजिए चिल्ला, अगर हम यहाँ से बांदा से मुख्यालय से लेकर और आपका कानपुर तक का रूट तय किया जाए तो ये समझिए कि आपका 4 या 4.5 घंटे लगते हैं कानपुर जाने में, क्योंकि रास्ता इतना बुरा है कि मरीज आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अभी जैसे कि कोरोना एक बार फिर से पीक पर है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, बांदा में क्या अस्पताल में वो सुविधाएं देखने के लिए मिल रही हैं? अगर टेस्टिंग की हम बात करें तो टेस्टिंग कितने प्रतिशत यहां पर हुआ है, क्या दोनों डोज लोगों को लग चुकी है? जी जी, मैं आपको बता दूं बांदा में अभी कोरोना अभी तक नहीं आया, इसलिए यहाँ के लोग जागरूक नहीं है और बांदा में अभी कोई व्यवस्था किसी भी प्रकार की है नहीं। और आप ये मान के चलिए कि अभी तक लगभग लगभग 80% डोजेज लग चुके हैं दोनों डोजेज। बिल्कुल। इसके अलावा बांदा की अगर हम बात करें पंकज, तो बांदा में क्या कुछ खास इस बार देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे उसे साफ है कि 5 साल पूरी तरह से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नकार दिए हैं जनता ने, तो इस बार क्या खास बदलाव देखने के लिए मिल सकता है बांदा में? देखिए मैं आपको बता दूं कि बांदा विधानसभा में 4 सीटों पे, आप ये मानिए कि बांदा सदर सीट पे हो सकता है कि भाजपा का कब्जा हो जाए फिर से। इसके बाद 3 विधानसभाएं, आप तिनोली हो गई, आपका बबीरू हो गया, आपका नारायणी हो गया, 3 विधानसभाओं में आप ये मानिए कि या तो सपा का कब्जा होगा या तो बसपा का कब्जा होगा। एक ही सीट इस बांदा विधानसभा से बांदा सदर की भाजपा के खाते में जा। बिल्कुल पंकज, इसके अलावा जो किसान आंदोलन करीब 1 साल से ज्यादा चला था, उसका असर क्या बांदा के किसानों पर भी पड़ा था? क्या इसको लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा सकती है? जी जी, आपको बता दें जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। कहीं ना कहीं किसान इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठा है। पंकज, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं आपको बता दूं किसानों का, बोलिए, किसानों का तो यही मुद्दा है महंगाई, क्योंकि डीजल पेट्रोल उपकरण, उनको तो ये लगता है कि हम हमारी जो है कमर टूट रही महंगाई से, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो उनके लिए यही बैठा है महंगाई का। देखिए इसको जैसा कि अभी सपा ने ये ऐलान किया था कि 300 यूनिट जो फ्री बिजली है वो सपा अपनी सरकार में देगी, ऐसा कहना है सपा का, तो क्या वो जो यहाँ पर प्रलोभन दिए जा रहे हैं उसका असर आम जनता पर दिखाई देता है? जी अभी तो फिलहाल ये कोई इतना आम जनता पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनावी वादे हैं, लोग लुभावन हैं, जनता तो समझ चुकी है हर बार की हर बार पे किसी न किसी पार्टी का लोग लुभावन हुआ था, हम 300 यूनिट बिजली से फ्री दे देंगे, हम गैस सिलेंडर फ्री दे देंगे, हम पेट्रोल फ्री दे देंगे, तो जनता अब ये चीजों में विश्वास नहीं करती। अब तो कोई खास ये जनता पे दिखाई नहीं दे रहा, अब तो चुनाव होने के बाद सरकार बनने के बाद लोग सोचते हैं कि जब होगा तब होगा, तभी देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल इस चीज के लिए जनता कोई खास नजर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है पंकज, आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। राहुल से हमारी बात नहीं हो पा रही है, बार बार हमने कोशिश की लेकिन हम महोबा का हाल नहीं जान पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम राहुल से जुड़े तो महोबा का हाल चाल जानने की हम कोशिश करें। फिलहाल जो तस्वीरें हमने बांदा की देखी, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि बांदा में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, जो विकास हुआ है वो सिर्फ बसपा के कार्यकाल में हुआ, यानी कि बीजेपी के कार्यकाल से यहाँ पर खुशी जो है वो जनता के बीच में नहीं दिखाई देती है। अब देखना हुआ कि बांदा जनता इन चुनावों में किस तरह से बीजेपी को दरकिनार करती है और किसको गद्दी पर बिठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।